जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑलवेज पहाड़ी। और सुधा जो है वो सुबह सुबह आज लगा रही है लकड़ियों का बरूटू। तो आज हम सुबह ही आ गए थे जंगल में, ये देखिए, और फाइनल लकड़ियां भी हमें जो वो मिल गई है, थोड़ी सी यहाँ है और थोड़ी सी नीचे लगाई हुई है। सुबह भी नहीं आए थे, 9:15 बजे आए। कितने बजे आए थे? 9:15 बजे। 9:15 बजे जोर से नहीं बोला जाता, खाया नहीं कुछ भी? हलवा खाया, पच भी गया। अब हलवा खाया तो इतना काम करके, तो ये जो लकड़ियां मैं अकेले उठा लूंगा और बाकी जो वसुधा उठा लेगी। और पीछे जूली आई, और जूली हमारी इतनी डरफोक है ना, इतनी डरती है ना, ये डरती कि नहीं डरती है? लैंगर और बंदरों से इतनी डरती है, भट्टी डरती है, चिपक चिपक के चलती है। और ये देखिए, इस साइड पूरा जंगल, हम बिल्कुल घर की, मतलब यहाँ पे ये जो पेड़ है, पता ना मेरे को कैसे कैसे लगते हैं जब मैं ऋत्विक के साथ ये देखता हूँ ना, क्या बोलते हैं मोगली वाला नाटक, ऐसे ऐसे पेड़ों पे कहाँ बैठा होता है, है ना। और घर दिख रहे होंगे आपको शायद बनों के बीच में, ये देखिए थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, इस साइड हमारे घर हैं और बिल्कुल ही हम ओपोजिट साइड आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर आ गए जंगल से। यहाँ से घूम के आए पूरा ही, और बस अब हो जाएंगे, उठा पाऊंगा मैं कि भारी हो जाएंगी? और यहाँ तो रास्ता भी थोड़ा ख़राब है ना, फंसने वाला है, ऐसा ऐसा ऊपर लकड़ियाँ फंस जाती है ना, त्योड़ी नहीं गाड़ी मैंने मुंडे पर ही उठानी। दोस्तों ये जो आपको मेरी उंगली के बिल्कुल सामने ये जो दिखाई दे रहे हैं ना बन वगैरह, तो यहाँ से लेके आए हम लकड़ी अभी, यहाँ से आते हुए ये जो चील का पेड़ है यहाँ से, और बिल्कुल यहाँ से नीचे की ओर, और ये जो नहर है मतलब इसको क्रॉस करके ये रखी है। और इस साइड मैडम की हालत टाइट लग रही है, मेरे को लग रहा है कि सोएगी। उठ जाओ, होगी सुबह, जाना नहीं अभी घर में, खाना भी बनाना है। कब जाना है तो? दोस्तों आज सालों बाद जो लकड़ी ढोके नहीं लकड़ी लेके आए, उनकी हालत कैसी देखो। मेरे को यहाँ दर्द हो रही है। कितने साल बाद लेके आए? यहाँ पे उठा के ना, एक साल बाद कोई, हाँ तो? एक साल बाद क्या, पीछे लाए 2-3 महीने पहले जो वहाँ पे रखी, वो तो एक ही, मतलब वही एक ही दिन का। मेरी तो वैसे हालत खराब है बालों की, जंगल में बंदर वगैरह मिलते हैं तो मेरे को बंदर ही समझते होंगे यार, ना मैं बाल कटा रहा हूँ ना दाढ़ी कटा रहा हूँ, अब तो मैं ऋत्विक भी डर रहा है यार मेरे से, मुंह भी काला काला हो गया। ऐसे करता है ना, ऊपर से कमजोरी आ गई है ना बहुत ज्यादा। हाँ, ब्यूटी सब खत्म हो गई है अब, सच्ची पूरे ही काला काला हो गया, बुढ़ा हो रहा हूँ अब मैं, बुढ़े हो रहे हो तो जंगल में हालत कुछ ऐसी हो जाती है। यहाँ पे उठा के ना, यहाँ जो होता है ना बिल्कुल, मैंने बोला था ना त्योड़ी ले लो सिलेंडर उठा के, तो हालत हो जाती है ना वैसे हो जाती है। तो मेरी हालत कुछ ऐसी ऐसी है, पसीने पसीने हो गए हैं, मैं तो ला ही रही हूँ यार कब से, कितने दिन हो गए मेरे को लकड़ी लाते लाते। कल भी मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि कल मेरे को पेट में दर्द हो गया अचानक से लकड़ी उठाते ही, तो थोड़ी लकड़ी मेरे को जंगल में ही निकालनी पड़ी, तो मैं घर में सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी लेके आई थी, तो आज तो वैसे ही मैंने थोड़ी सी लगाई हुई है ये, और आज भी थक गई हूँ, मुँह लाल लाल हो गया। फाइनली दोस्तों अभी हमारा दूसरा फेरा है, तो ये लगा लिया एक ब्रोटू मैंने, और इस साइड सुधा का, और सुधा जो अब खुद के लिए जो बिन्ना तैयार कर रही है, ये देखिए पहली बार जो लेके गए थे जिसका बिन्ना ख़राब हो गया था रास्ते में, गिर गया था, तो आपको ये दिख रहा होगा रास्ता, वो जो आपको खाई दिख रही है ना, यहाँ वहाँ से जाना है, मतलब ख़तरनाक तरीके से, देखते हैं अब उठाते हैं। वैसे पीठ में तो दर्द होगी यार, लेकिन आज दो फेरे लगाती हैं। सुधा बोल रही कि आज आप घर पर हो, तो अभी घर में जाके घास उतारना है पेड़ से, उसको अंदर रखना है स्टॉक के लिए, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था धीरे धीरे, तो सुबह मौसम ख़राब था ना, मम्मी बोल के गई थी कि उतार लेना उसको भी, बादल थे, पर देखते हैं अब स्टॉक तो करना ही पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे को उठा ले इस बिन्ने हुए, तो ले चल मेरे को। दोस्तों ये देखिए लकड़ी उठा उठा के सुधा की हालत कैसी हो रही है, अब इसकी होने वाली थोड़ी देर में शेव, और पूरे मुँह की शेव कर दूंगा इसकी मैं। क्या हो गया मुँह में? कर दो। क्या हुआ क्या मुंह में? होना क्या है, कुछ नहीं, फिर भी ब्लीच है। दिखा ले साइड पूरा, ऐसे करके सीधा रखना मुंह, पूरा बोला तो ऐसे से दिखाना ना, दिखाना, हालत खराब होगी इसकी आज, थक गई हूं। क्या होगा इससे अब, तू तो शादी में जा रही कल, ऐसे ऐसे बन के जाएगी शादी में, हैं? ब्लीच है यार, ये जो मुंह के काले बाल होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। अब इसको क्या धोना है कि क्या है, सेव करना है? साफ करना है, धोना।
हेलो गाइस, सेम ब्लॉग एंड नेक्स्ट डे। तो आज हैं हम शादी वाले घर में। अभी शादी वाले घर में नहीं पहुंचे, हम जा रहे हैं मामा की ओर से जा रहे हैं। मेरे को जबरदस्ती ले आई है, बड़े जबरदस्ती। तो अभी हम हैं दाढ़ी में, दाढ़ी से जाएंगे हम बड़ोल में मामा की तरफ से। बस अभी हम निकल रहे हैं, हमारे साथ है गुड्डी। हेलो। और आशिव है, भाग जा रहा है कहीं पे। ये आई एम बैक। तो हाँ, बाकी लोग निकल चुके हैं आगे आगे, बस अब हम भी निकल ही रहे हैं। तो मिलते हैं सीधे आपको शादी में। The next day. दोस्तों, शादी के बाद सीधा ही हम पहुंच गए घर में आग सेकने। तो शादी में हो गए थे हम लेट, और यहाँ बैठी हुई है बच्चा पार्टी, खाना खुना खा बैठे हैं। अभी हम सेक रहे हैं आग, और मैडम ने दिया हुआ मेरे को एक देखिए सड़ा सा काम, और पता नहीं पोटी का कैसा कलर है। तो बोल रही कि निकालना पूरा ना, निकालना है पूरा। देखो इतना है, वैसे मैंने अभी अभी बनाई थी पर खुली बनेगी। इतनी होगी थी कम से कम, पूरा ही था ये। तो पता नहीं तो है, अभी ढीला ढीला ये मैडम की है। कौन सी मैडम? स्कूल की, किसी की है? किसी की है, अजीब लग रहा है। अजीब है, उनको पसंद है ना, उसकी तरह लग रहा है ना। वही है, तो पूरी निकालना है, पूरा निकालना है। इसको पसंद नहीं आ रहा सुधा को, बोले दोबारा से मुझे फिर से काम करना है। इस तरह से मुझे पूरा ही काम मिला हुआ है आज। यहाँ पे मैंने बाजू लगाई हुई है बुनने के लिए, बाजू बना रही हूँ। ये पल्ला बना हुआ था पहले से ही, तो इसको आज पूरा ही निकालना है। ये पूरा निकाल के दोबारा से बनाना, रात लग जाएगी बनाने के लिए। दो दिन तीन दिन निकालने के लिए लग जाएगा, एक घंटा मेरे को इसको खोलने के लिए शायद। तो बस आज ये काम चला हुआ है, शादी दिखा नहीं पाई सुधा। और आग सेक रही हूं, मिलते हैं सीधा शादी में। शादी में लेट हो गए थे काफी ज्यादा यार, हम घर पहुंचने बहुत ज्यादा लेट। ऋत्विक हाय, अरु हाय, क्या कर रहे हो आप लोग? ठंड है पर देखो ये देखो, ऊपर से ये देखो। और ऊपर से आज मौसम खराब था दिन भर ही। ये तो मैं तो गया हुआ था बाजार, और ये तो घर में ही थे आज। तो ऋत्विक बोल रहा है चूहा देखना इसको, चूहा मर गया यार बार पानी में। और दोस्तों, सुधा अभी इसको लेके पड़ गई बिस्तर में, लेकिन काम जो वो अभी कंटिन्यू चला हुआ है। हालत लग रही है टाइट। मेरे को देनी थी 1 दिसंबर को देनी थी, तो अभी इसको मेरे को पहले पूरा निकालना है। अभी थोड़ा ये नहीं है, अरे कौन सा निकालना है? वो है दूसरा, गलत ले लिया मैंने। हाँ। वो यार मैंने तो गलत निकाल देना था, ये है जो निकालना है मुझे। थोड़ा सा बचा है अभी इतना इतना, तो ये मुझे पूरा ही उधेड़ना है इसको। आपकी मेहनत नहीं है, मुझे दोबारा बनाना है। हाँ, तो तेरी हालत होगी टाइट, मैं बोल तो रहा हूँ। देना मुझे परसों था ये, पर अब। और ऋत्विक चला रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, ये देखिए। और एक है अर्नव, जिसको मैंने दिए थे गुना के 2 सवाल, लेकिन वो कर नहीं पाया। ये देखिए इसका आंसर क्या है, ये देखिए। मैंने इसको दिया था ये वाले, गुना करो, और इसने ये दे दिया है, और जबकि ये गलत है दोनों ही। शक्ल देखो इसकी, शरारतों में नंबर 1 है, और सवाल करने में बिल्कुल। द्वार से कर इनको ले, इससे भी बड़ा डफर तो द्वार से कर ले, और एक डफर ये है साइड। अच्छा, ना नीचे से कर, नीचे से करना तो कर, नीचे से कर रहा हूं, ऊपर से भी कर सकता हूं। नीचे से कर, ऊपर से कर, पर सही होना चाहिए। जल्दी कर ले, फोन लेने के लिए कैसे तैयार रहता है।